कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे हैं। सी, ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें हैं उसमें सिद्धांत क्या है, फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका आप वहां कैसे जुड़ पाओगे। एक बार एक आईएमए में ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे। और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले हो, आप में से किसी को पता है कि ये तीन स्टंप किसने नक्की किए। मैं भी क्रिकेट खेला हूं, हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये तीन स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने तीन नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद में क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको, अभी कल जाको पूछना। आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो, पहले मुझे ये तीन स्टंप का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड की पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं, फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे, अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, सिद्धांत स्वीकार लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद और भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना है तो उनके अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न पूछना नहीं, पूछना, स्वीकार लेना, चलते रहना आगे आगे आगे, आपको सब कुछ दिखेगा। इन शॉर्ट, ऑन अ फाइन समर इवनिंग व्हेन इट इज क्वाइट हॉट एंड यू गो आउट फॉर एन आइसक्रीम विथ योर फैमिली, जब आप आइसक्रीम लेते हो, रिटेल काउंटर पे आपको आइसक्रीम दिया, तब आइसक्रीम वाले को ये नहीं पूछते आपके कौन सी गाय की कौन कैसे दूध में से ये आइसक्रीम बनाया, पूछते हो आप तो लॉजिक वाले हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, और आप तो ये कहते घूमते हो कि एनीथिंग व्हेन माय वाइज एंड माय वॉच एंड माय होम्स एंड माय वैंस एंड माय होम्स आर सेटिस्फाइड तभी मैं कोई बात स्वीकार करता हूं। आप तो ये कहते हैं पढ़े लिखे, तो आइसक्रीम के वक्त पूछना किसी, आई विल टच आइसक्रीम ओनली आफ्टर आई गेट अ प्रूफ फ्रॉम विच बफेलोज मिल्क इट इज मेड, ये तो कभी आपने पूछा नहीं। अगर पूछने रहते तो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले सकते, हा या ना, पिघल जाएगा तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो कभी बहुत इतिहास सिद्धांत की चिंता मत करना, स्वीकार के आगे चलना, तो आप जीवन में समृद्ध बन जाएंगे। कैसे महापुरुषों ने बहुत चिंतन करते करते ये अध्यात्म की सभी बातें बताई, वो सही है। एक बार स्वीकार कर लेना, थोड़ा उस पथ पे चलना चालू करना, तो आपको आनंद भी आएगा, प्रतीति भी आएगी और प्रेरणाएं मिलती रहेगी, ये से आप समृद्ध बन सकते हैं। सो आखिर में एक बात करके मैं बात पूरी करता हूं। हम यहां बैठे, हम सबको भगवान में श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान में श्रद्धा और विश्वास थोड़े कम है, विश्वास तो बहुत कम है। एक प्रसंग कहकर मैं पूरी बात करता हूं। वो अपने टाइट रोप वॉकर शायद आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े इमारत की बड़े मंजिली पे वहां पे रोप बांध के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, हाथ में बड़ा वो
रॉड होता है, मतलब स्टिक होती है, देखा है ना आपने, वीडियो भी देखी होगी, नायग्रा फॉल्स पे भी चलते हैं, एक रोप पे वो चलते जाता है, वो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। तो एक टाइट रोप वॉकर था, नायग्रा के ऊपर वो, उसने रोप पे ऊपर चलना शुरू किया, दोनों साइड लोग बैठे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्या अद्भुत काम किया, बैलेंस कितना, कॉन्सेंट्रेशन जाए, इस तरफ से इस तरफ गया, फिर वापस आया, सब ने तालियां बजाई, फिर एक बार तो साइकिल लेके आया, साइकिल चलाई उस पे, रोप पे साइकिल चलाई, फिर वापस आया, साइकिल खड़ी रखी बीच में, एक बैग में से सैंडविच निकाली, टमाटर निकाले, फिर कट करके सैंडविच बनाई, खाया, नायग्रा फॉल्स के ऊपर, हाँ रोप के ऊपर बना के, वो भी साइकिल पे बैठे बैठे, सबने क्या तालियां बजे, एक्सीलेंट। फिर गया, फिर अपने साथीदार को बिठा के वापस आया, पीछे एक साथीदार बैठा था, फिर से साइकिल वहां खड़ी रखी, दोनों ने वहां आइसक्रीम खाया, फिर वो साथीदार उसके कंधे पे चढ़ गया, फ्लैग वेव किया, सबने तालियां बजाई, क्या बात है, क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सब मानते हो कि मैं चौथी बार पांचवी बार भी कुछ ऐसा कर सकता हूं, हाँ, अगर हम लोग इस जगह पे बैठे होते तो हम लोग यही कहते ना, अगर उसने प्रश्न उस वक्त पूछा कि कैन आई डू इट फॉर द फिफ्थ टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ ही कैन डू, क्योंकि देखा है चार पांच बार उन्होंने किया। फिर से उन्होंने पूछा कि मैं और एक बार ये कर सकता हूं, आप लोग को विश्वास है, तो बोले कि हाँ हम लोग को विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि मैं ये व्यक्ति को पीछे बिठा के आया हूं, जा रहा हूं, दो बार वापस आया इसको लेके, वो आपने देखा, तो क्या देखा, तो कि व्यक्ति को बिठा के भी मैं ले जा सकता हूं नायग्रा फॉल्स के ऊपर से, वो आपने देखा, वो आपको विश्वास है कि मैं दूसरी बार कर सकता हूं, हाँ आप कर सकते हैं, सबने बोला। फिर से उन्होंने पूछा कि चिल्ला के मुझे बताओ कर सकता हूं, सबने बोला हाँ कर सकते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अगर आपको इतना विश्वास है तो हु वुड लाइक टू वॉलंटियर विथ मी, मेरे साथ कौन आ सकता है अभी। अब आप मुझे बताए कि प्रेक्षक गण में से क्या उत्तर आया होगा, सब ना बोल रहे हैं, देख सब ये कर रहे हैं, नो नो नॉट नॉट मी नॉट मी, मैं नहीं। क्यों? उनको श्रद्धा थी कि ये कर सकता है, विश्वास नहीं था, देखा फिर भी विश्वास नहीं था। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हो उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना, ये मैं सिर्फ संतो इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मोर देन 50,000 पेपर्स, ये बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं, नॉट बाय मैन ऑफ फिलोसॉफी बट बाय मैन ऑफ साइंस। उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान मूर्ति के ध्यान से भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, इन्होंने साबित, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। 50,000 से उसमें से 500 से ज्यादा पेपर्स की कॉपीज मेरे पास है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी हजार बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत शास्त्र में जो बात लिखी है इट इज एब्सोल्यूटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें।